उपमंडल फतेहपुर के तहत रहन पंचायत में ग्राम सभा की बैठक हुई। 2 साल के लंबे समय के बाद आखिरकार ग्राम सभा का कोरम पूरा हुआ। बैठक में फतेहपुर के SDM बलवान चंद्र मंडोत्रा, वीडियो ज्ञान प्यारी और पंचायत समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। ग्राम सभा में कोरम पूरा होने पर पंचायत प्रधान रमेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने की वजह से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे थे, लोगों की सामाजिक पेंशन संबंधी कार्य और पंचायत के अन्य कार्य लंबित पड़े थे, जिन्हें अब पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। SDM बलवान चंद ने भी ग्राम सभा का कोरम पूरा होने पर खुशी व्यक्त की और पंचायत को लोगों के लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने पर लोगों के कार्य नहीं हो पा रहे थे, जिससे लोगों को समस्या आ रही थी, परंतु अब कोरम पूरा होने पर लोगों के रुके कार्यों को पूरा किया जाएगा। तो मेरे से ये रिक्वेस्ट की गई कि जी आप इसमें आए, मैं आया इसमें, लोगों की अपनी समस्याएं सुनी, आज इसका सारा कोरम पूरा हो गया और जो जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको अब हम पूरे अच्छे से उनका निष्पादन करेंगे और उनको उसके ऊपर जो है जिस भी विभाग से संबंधित होगा उससे हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे। इस अवसर पर रहन में सफाई व्यवस्था, बंद पड़ी लाइट, रहन बाजार में गंदगी से भरी नालियां साफ करने और पंचायत के अन्य कार्यों के बारे में चर्चा हुई, जिन्हें जल्द हल करने के निर्देश दिए गए। ग्राम सभा की इस बैठक में जब इस पंचायत की 2 पंचायतें बनाने की बात चली तो कुछ लोगों ने इस पंचायत को नगर पंचायत बनाने की मांग की और कुछ लोगों ने इस पंचायत की 2 पंचायतें बनाने की मांग की। SDM बलवान चंद मंडोत्रा ने पत्रकारों को बताया कि यहां करीब 1.5-2 साल से पंचायत का कोरम पूरा नहीं हुआ, जिस कारण लोगों के कार्य लंबित पड़े थे और आज पंचायत का कोरम पूरा हुआ है और लोगों के रुके कार्यों को उचित ढंग से पूरा किया जाएगा। पंचायत प्रधान रमेश कुमार शर्मा और समस्त पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि यहां नगर पंचायत बनाने और 2 पंचायतें बनाने की मांग उठी है और ज्यादातर लोग नगर पंचायत के हक में हैं। पंचायत समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि इस पंचायत का विभाजन करने की बजाय इसे नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहां जो सफाई, कूड़ा करकट और पानी आदि की जो समस्या है उसका पंचायत स्तर पर हल होना मुश्किल है। इस बारे में पंचायत समिति में भी प्रस्ताव डाला गया है। इसमें जो जनता की डिमांड होगी उसके अनुसार होगा। यदि वो नगर पंचायत भी बनेगी तो वो भी रिजोल्यूशन जा सकता है। और यदि 2 ग्राम सभा, क्योंकि आप खुद सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 ग्राम सभा के लिए कोरम इकट्ठा करना, यदि आप तो 10,000 की ग्राम सभा बना दो, यदि उसका कोरम के लिए ही लोग इकट्ठे नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी ग्राम सभा होगी उसके लिए कोरम के लिए आपको उतने लोगों की संख्या पड़ती है। और आज आप देख लो 1.5-2 साल के बाद जो है आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो इसके लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए यदि नगर परिषद बनेगी या इसका प्रपोजल जाएगा, नगर पंचायत का प्रपोजल जाएगा, तो केवल वो रहन का ही नहीं जाएगा, उसके साथ और क्षेत्र के जो पंचायत हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो नगर परिषद जो है वो एक बड़ी चीज हो जाएगी। तो नगर पंचायत है चाहे नगर परिषद है, जो भी है उसके लिए वो बड़ी चीज हो जाएगी, तो उसमें दूसरी पंचायतों को भी जोड़ा जा सकता है। रहन से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।